जय श्री राम की भक्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे मौनी अमावस्या के ये उपाय चमका देगा आपका भाग, दूर हो जाएंगे सभी कष्ट। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक एक अलग ही महत्व होता है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि हर माह में एक बार अमावस्या तिथि पड़ती है। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है। आज ही के दिन मौनी अमावस्या है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पावन पवित्र दिन है। इस बार मौनी अमावस्या के दिन अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है दोस्तों। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष ही अलग महत्व है। इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसी कुछ जानकारियां, खास जानकारियां आपको देने वाले हैं। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने का पुण्य, फलों की प्राप्ति बहुत ही बेहद खास मानी जाती है दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी सनातन धर्म से जुड़ी भक्ति ज्ञान की बातें पाने के लिए आप, और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय श्री राम, जय विष्णु भगवान महाराज की। बहुत ही चमत्कारिक वीडियो है। पितृ और काल सर्पदोष लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इन समस्याओं से मुक्ति मिलने पर व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है। अमावस्या के दिन पितृ संबंधी कार्य करने की एक परंपरा है। इस दिन पितृ संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितृ दोष से शीघ्र आपको मुक्ति मिल सकती है। पितृ दोष क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और दसवें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनने पर पितृ दोष लग जाता है। सूर्य के तुला राशि में रहने पर या राहु या शनि के साथ युति होने पर पितृ दोष का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही लग्न इसका छठे, आठवें, बारहवें भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर भी पितृ दोष लगता है। पितृ दोष की वजह से व्यक्ति के जीवन में परेशानियों से घिरा हुआ होता है। तो आप इन उपायों से बच सकते हैं। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों का स्मरण कर पिंड दान करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहिए। गाय को भोजन कराने से चमक सकता है भाग। बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। इस दिन गाय को भोजन अवश्य कराएं। इस बात का ध्यान रखें कि आपको गाय को सात्विक भोजन ही करवाना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को भोजन कराने से हर तरह के कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। बहुत ही फलदायी उपाय माना जाता है, बहुत ही चमत्कारी उपाय माना जाता है दोस्तों। छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद खास जरूरी होता है। इसी वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे। अमावस्या से संबंधित बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। बस एक बार समय निकाल कर अंत तक देख लेना इस वीडियो को। चमत्कार ही चमत्कार होंगे इस वीडियो के अंदर। जय श्री राम। वीडियो का अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, भक्ति भाव से भगवान श्री राम से यही कामना है। माँ लक्ष्मी सूर्यदेव भगवान से कि सभी के घर खुशियों के भंडार भरें और माता रानी सदैव खुश रखें। माँ पार्वती की असीम कृपा बनी रहे। मौनी अमावस्या सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ खास बेहद चमत्कारी उपाय जरूर कर लेना है। सारे उपाय जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। वो सारे उपाय आपके लिए करना बहुत ही खास जरूरी हो जाते हैं दोस्तों। हर माह में एक अमावस्या तो पड़ती ही है और अमावस्या के दिन कोई भी कार्य, कहा जाता है कि चाहे जो कार्य किया जाए वो हर कार्य ही शुभ माना जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन जो कोई भी व्यक्ति सच्चे भाव से पूजा काटता है, पूजा प्रस्थान करता है, तो कहीं ना कहीं उसे अमावस्या के दिन बेहद चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं और वो सारे लाभ आपको भी मिल सकते हैं। बस आप देख लेना अंत तक वीडियो, देख लेना चमत्कारिक वीडियो। कोई भी शुभ कार्य हो आप जरूर करें, इस दिन अवश्य ही अच्छा शुभ माना जाएगा दोस्तों। मौनी अमावस्या के दिन जो कोई भी व्यक्ति आपके घर दान दक्षिणा लेने आए उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप जितना दान या दक्षिणा देने में समर्थ हो उतना हमें जरूर देना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या को आत्मसंयम की साधना एवं पुण्य प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों। इस दिन कई सारे धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है।
मानता है कि पूजा अर्चना के लिए यह दिन बेहद खास कल्याणकारी होता है। इसी दिन प्रजापति ब्राह्मण ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुप को प्रकट करके षष्ठी की रचना की शुरुआत भी की थी, इसलिए यह तिथि षष्ठी की रचना के शुभारंभ के रूप में भी मानी जाती है। ऐसा शास्त्र में वर्णित है, इस दिन मौन धारण करके स्नान दान तप और शुभ आचरण करके करने से उपासक को मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन कुछ धार्मिक उपाय करने से दुख दूर होते हैं, व्यक्ति पुण्य का भाग भी बनता है। शास्त्र में कहा गया है कि इस दिन सभी पवित्र नदियों और पतित पावनी माँ गंगा के जल में भगवान विष्णु का वास होता है। पवित्र नदियों का जल अमृतुल्य होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलना संभव हो जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तब उसे अपने घर में ही प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव से पूर्व स्नान आदि करना चाहिए और गंगा जल ग्रहण करना चाहिए। मौन व्रत, मौन रहकर साधना करने का दिन है मौनी अमावस्या। बहुत ही बेहद खास दिन है ये। इस दिन स्नान करते हुए मौन धारण करें और श्री हरि का जाप करने तक मौन व्रत का पालन करें। इससे मन की शुद्धि होती है एवं आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इस दिन को मौन एवं संयम की साधना स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली मानी गई है। पितरों का तर्पण के लिए बहुत ही होता है खास दिन। पितरों का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मौनी अमावस्या बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए इस दिन लोटे में जल में काले तिल और लाल फूल मिलाकर पितरों का स्मरण करते हुए सूर्यदेव का अर्पण करें। इस दिन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए ब्राह्मणों को घर बुलाएं और आदर के साथ उन्हें भोजन कराइए और दक्षिणा देकर उन्हें विदा जरूर करें। इस दिन गाय, कुत्ते, चींटी और कौवे को भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। दान करना बहुत ही जरूरी, बहुत ही शुभ दिन मौनी अमावस्या के दिन। जो भी कोई व्यक्ति आपके घर दान दक्षिणा लेने आए, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आप जितना दान या दक्षिणा देने में समर्थ हो उतना जरूर दीजिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर इस दिन आपके घर कोई भूखा व्यक्ति खाना मांगते हुए आता है तो उसे खाने के लिए मना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान दोस्तों इस दिन व्यक्ति को भगवान विष्णु के मंत्रों का जप व पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य के हर कष्ट दूर होते हैं। और इस दिन खास तौर पर माँ लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है, आप जरूर पूजा करना चाहिए। संपूर्ण फल मिलेंगे और सारे कष्ट दूर होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मौनी अमावस्या के कुछ खास उपायों के बारे में बताया गया है। सारे उपाय चमत्कारिक उपाय हैं, जरूर करें घर बैठे उपाय और माता की कृपा पाएं, विष्णु भगवान की कृपा पाएं और पूजा पाठ सच्चे भाव से करें। तो जरूर कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय विष्णु भगवान की, जय माता लक्ष्मी की, जय शंकर भगवान की, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी की, जय विष्णु भगवान की, जय माता सरस्वती की।